ऑलराइट, तो कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब स्टार्ट करते हैं क्विक क्रिप्टो मार्केट अपडेट कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए कैसा हो सकता है, किन किन पॉइंट्स में हमारी होनी चाहिए नज़र। और उससे पहले क्विकली बात कर लेते कि हम मार्केट कैप के हिसाब से कहां पर बैठे हैं। द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $832 बिलियन राइट नाउ, मतलब जो क्रिप्टो मार्केट कैप है टोटल अभी वो है 832 बिलियन। बिटकॉइन अपने 90 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18% नीचे है, और अगर पिछले एक महीने से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 19.62, ऑलमोस्ट 20% नीचे। इथेरियम 30 डेज के हिसाब से 21.77% नीचे है, और 90 दिन के हिसाब से 20.73। अगर बात की जाए बिटकॉइन के इन्फ्लो की तो 17 नवंबर के बाद कोई भी ऐसा इन्फ्लो नहीं हुआ, और इस इन्फ्लो पे भी बात की जा रही थी कि ये बाइनेंस का जो मूव है उसके कोल्ड वॉलेट की तरफ वो हुआ था बिटकॉइंस का, मतलब बाइनेंस ने कुछ बिटकॉइन अपने कोल्ड वॉलेट में डाले थे और कुछ माने 130,000 बिटकॉइन के आसपास। तब जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट्स में और देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स कौन कौन से हैं ट्रेड लेने के लिए और ओवरऑल मार्केट क्या बोल रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रक्चर देखा जाए तो बिटकॉइन में अभी भी कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना, अगर आप देखें तो काइंड ऑफ लोअर लो ही बने, और जहाँ पर अभी हम हैं इनफैक्ट 16,357 से लेके 16,820 का जो एरिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होके हमें ये मोमेंट देखने मिल सकता है। अब क्या मैं इस कंसोलिडेशन के बाद लॉन्ग का ट्रेड देखूंगा यहाँ पर? नहीं, मैं इस एरिया से जो कि है 17,546 से लेके 18,187 या फिर 18,800 से लेके 19,200 शॉर्ट के ट्रेड देखूंगा। ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग इंटरेस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर इन दोनों एरिया में से आप पूछो कि संदीप भाई ये ऊपर वाला एरिया ज्यादा अच्छा है शॉर्ट के ट्रेड के लिए नीचे वाला, तो ये जो एरिया है खासकर 19,200 वाला एरिया जो है 19,100 से लेकर 19,200 का जो एरिया ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। लेकिन एक रेंज है 18,818 से लेकर 19,227, तो अगर यहाँ पर कुछ बेरिश स्ट्रक्चर बनता है कुछ कन्फर्मेशन मिलती है उसके बाद में शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा नीचे की तरफ। अगर बात किया है एथेरियम की तो एथेरियम का एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया था ये, गुड एथेरियम का एरिया था जो हमारे पास था 1034 से लेकर 1137 का, जहां पर लॉन्ग के ट्रेड होने चाहिए थे, लेकिन जो 477 मिलियन का एथेरियम का हैक हुआ एफटीएक्स पे अराउंड 500 मिलियन का, उसके चलते हमने इस एरिया को इग्नोर कर दिया था। कोई इशू नहीं है, अभी हम क्या देखेंगे कि अराउंड 1305 से लेके 1351, अराउंड 1330 एक एग्जैक्ट पॉइंट है वैसे 1330, लेकिन मैं कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं जाता, तो 1305 से लेके 1351 के आसपास अगर स्ट्रक्चर थोड़ा बेरिश दिखता है तो यहाँ से शॉर्ट के ट्रेड हम कर सकते हैं टूवर्ड्स 1200-1210, डिपेंडिंग ऑन प्राइस कैसे मूव हो रहा है उसकी तरफ। दूसरा एरिया जो है जहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट कट ट्रेड हमें मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो है 1555 से लेके 1608, 1555 से लेके 1610 मान लो जाए आप, इसके बीच में अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो यहाँ से शॉर्ट कट ट्रेड अच्छे खासे मिल जाएंगे हमको। अगर बात की जाए कि आप लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेड मतलब फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते और सिर्फ स्पॉट में बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी बाइंग होनी चाहिए थी स्पॉट में, अगर नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, अभी भी हो सकती है जब नीचे वापस आएगा इस एरिया की तरफ, या फिर जो उसके बाद नियरेस्ट एरिया हुआ है 741 से लेके 877 का एरिया, यहाँ पे आपकी स्पॉट में थोड़ी बाइंग होनी चाहिए थे में। सेम जैसे बिटकॉइन केस था, जो ये हमारा एरिया था ब्लू लाइन वाला, यहाँ पर डिस्काउंट में आया था प्राइस बिटकॉइन का, तो ये एक एरिया है जहाँ पर आपको एक डीसीए या फिर स्पॉट में बाइंग करनी चाहिए थी जैसे कि आपको पहले बताया था, और ये एरिया 15,900 से लेके 16,000 का एरिया था, और इसके नीचे जो एरिया है वो हमारे पास है अराउंड 10,300 से लेकर 12,000 का एरिया, उसके बाद जो एक एरिया और रहता है वो है ये 7,000 से लेकर 9,000 का एरिया, तो यहाँ पे भी मेरी बाइंग होगी। तो यही था ओवरऑल बिटकॉइन इथेरियम का, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, भाई के चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी ट्रेडिंग व्यू में चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में इंटरेस्टेड हैं उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो ये जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पहला लिंक है, आप वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए Take care and be safe.